हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सम्राट और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सम्राट टेक्नोजोन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने पीसी या लैपटॉप के डाउनलोड को अपने फ़ोन से कहीं भी रिमोटली कैसे एक्सेस कर सकते हो। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, आप अपने पीसी या लैपटॉप में कोई बड़ी फाइल या फिर कोई बड़ा गेम जो कि ज़्यादा एमबी का या फिर जीबी का है, उसे डाउनलोडिंग पर लगा देते हो। ऐसे में आप हर वक्त अपने सिस्टम के सामने बैठकर ये नहीं देखना पसंद करते कितना डाउनलोड हो गया या कितना बाकी है, और आप अपने दूसरे कामों को वक्त देना चाहते हो। लेकिन फिर भी अगर आप कोई और काम कर रहे हो, आपके मन में ये जानने की इच्छा जरूर होती है कि जो भी आपने डाउनलोडिंग पे लगाया है वो कितना डाउनलोड हो गया है और कितना बाकी है। तो दोस्तों, तब आपको अपना काम छोड़ना पड़ता है और फिर से अपने सिस्टम के सामने आना पड़ता है ये देखने के लिए। अब से ऐसा करने की दोस्तों बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक या फिर एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप कहीं भी हो, आप अपने पीसी या लैपटॉप की डाउनलोड को एक्सेस कर पाओगे। साथ ही साथ आप कहीं से भी अपने पीसी या लैपटॉप की डाउनलोड्स को कैंसिल, पॉज या फिर प्ले कर पाओगे, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए दोस्तों, फटाक से देख लेते हैं कैसे करते हैं ये। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना फ़ोन ओपन करके प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और ऊपर सर्च बॉक्स में टाइप करना है चेक ट्राई, जिसकी स्पेलिंग आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऐप खुल के आ जाएगी जिसका नाम है चेक ट्राई फाइल एंड डाउनलोड मैनेजर। सिंपली आपको यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों, अब आपको इस एप्लीकेशन को खोलना है और आपके सामने ऊपर दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, लॉगिन और साइन अप का। तो सबसे पहले आपको साइन अप ऑप्शन में जाना है और अपने फेसबुक या फिर जीमेल से साइन अप कर लेना है। तो सबसे पहले नेम पूछ रहा है, तो आपको अपना नेम डालना है, उसके बाद आपका ईमेल और फिर एक कोई भी पासवर्ड सेट कर लेना है। उसके बाद आपको साइन अप बटन पे क्लिक कर देना है। बस दोस्तों, आपके फ़ोन में जो सेटिंग करनी थी वो हो चुकी है। दोस्तों, अब आपको अपना पीसी या फिर लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हो उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो उसे ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ तो मैंने उसे खोल लिया है। और इसके बाद दोस्तों, गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है चेक ट्राई, जिस एप्लीकेशन को आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने कई सारे लिंक खुल जाएंगे, तो आपको तीसरे लिंक पे क्लिक करना है चेक ट्राई डैश गूगल क्रोम। और लिंक पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ से ऐड टू क्रोम ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही दोस्तों ऊपर आपके सामने स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगी ऐड एक्सटेंशन का। तो आपको सिंपली ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों चेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुकी है चेक ट्राई हैज बीन एडेड टू क्रोम। इसका मतलब है आपके क्रोम ब्राउजर में ये एप्लीकेशन ऐड हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको ऊपर एक ट्री आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से लॉग इन कर लेना है। जिस ईमेल या फिर जिस फेसबुक आईडी से आपने अपने फ़ोन में लॉगिन किया था उसी सेम आईडी से आपको अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पे अब आपका फ़ोन और आपका पीसी कनेक्ट हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब मैं दिखा देता हूँ कि आप अपने डाउनलोड्स को लाइव कैसे एक्सेस कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं एक वीडियो सॉन्ग डाउनलोडिंग पे लगाने जा रहा हूँ और मैंने डाउनलोड फाइल ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मेरी डाउनलोड शुरू हो चुकी है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब दोस्तों, मैं इसे अपने फ़ोन में देखना चाहता हूँ, तो कैसे देख सकता हूँ चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने अब अपना फ़ोन ओपन कर लिया और यहाँ से चेक ट्राई एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन के स्क्रीन पे तुरंत दिखा देगा कि आपके पीसी में क्या डाउनलोड हो रहा है। और साथ ही साथ आप यहां से अपने पीसी के डाउनलोड्स को पॉज, प्ले या फिर कैंसिल भी कर पाओगे। इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों कितनी केबी पर सेकंड हो रहा है ये भी दिखा रहा है, और साथ ही साथ कितना एस्टिमेटेड टाइम है वो भी दिखा रहा है। दोस्तों, बहुत ही आसान है इस एप्लीकेशन का यूज़ करना और आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही काम आएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído.